हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला। मैं सौरभ, आपका फिजिक्स का एजुकेटर। और आज हम अपना आगे का एमसीक्यू का जो सेशन कर रहे थे उसमें आज आगे का डिस्कस करेंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के एमसीक्यूज। आपका चैप्टर जो है क्या है आज, मोशन, डिस्टेंस, दूरी एंड डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, है ना, डिस्प्लेसमेंट जिसे आप क्या कहते हैं, विस्थापन। तो मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये आज आपका चैप्टर है। इससे रिलेटेड ज़्यादा नहीं, बस 10 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेस है फिजिक्स का, कि ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। फिजिक्स का बेस है, तो ये चीज़ें थोड़े आपको समझना जरूरी है, क्योंकि आगे की चीज़ें फिर आपको समझ में आएंगी, ठीक है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन या वर्क एनर्जी पावर चैप्टर हो गया आपका, तो और या फिर इसके आगे का चैप्टर जो हैं, जो भी रिलेटेड है फ्रिक्शन वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आपको समझने के लिए बेसिक चैप्टर समझना जरूरी है। जैसे कि मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपका चैप्टर है, तो बेसिक से क्वेश्चन है, थोड़े थोड़े से पॉइंट बताऊंगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिनको प्रॉब्लम है थियरी पोर्शन में, वो जरूर जाके प्लेलिस्ट में वीडियोस देखें, है ना। पूरे लेक्चर्स पढ़े हैं मेरे ही फिजिक्स के वहाँ पे, और बहुत अच्छे से मैंने कंसेप्ट डिस्क्राइब किया है, मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में बताया है, सारी चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लेन की हैं। तो आप वहाँ पे जाके लेक्चर को ज़रूर देखें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और जो बच्चे पढ़ चुके हैं तो वो एमसीक्यू उसके साथ डिस्कस करें, तो उनका और स्ट्रांग होगा बेस, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अपना शुरू करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन, कि यहाँ पे है कि इफ़ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इज़ represented y is equals to mt plus c, then the particle is moving with, यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ y is equals to mt plus c द्वारा निरूपित हो तो वह कण चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मतलब y is equals to mt plus c है, y is equals to mt plus c है। तो ये y क्या है, ये है वेलोसिटी, वेग है, ये क्या है, वेग है आपका, ये है वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये क्या है, टाइम है, ये क्या है आपका, टाइम है, और ये सी तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहां से अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो ये मतलब वाई क्या दर्शा रहा है, वाई दर्शा रहा है कि ये वेलोसिटी है, ठीक है। अच्छा, इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, इसको आप कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा, सॉरी एम बचेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो टी का कितना डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, डी टी बाई डी टी, ये यहां से हो जाएगा वन, कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, एम बचेगा, और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो होता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ गया, डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू एम आ गया, ठीक है। और डी वाई बाई डी टी क्या है, मतलब यहाँ पे वाई क्या है, बेसिकली वेलोसिटी, ठीक है। ये वाई क्या है, ये वेलोसिटी है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, डी वी बाई डी टी। ये वी क्या बता रहा है, ये आपका वेग बता रहा है, वेलोसिटी बता रहा है, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन, त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो यहाँ पे त्वरण क्या हो गया, एक्सेलरेशन क्या हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया, क्या हो गया, एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट, आपका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन अपना, कि द मोशन ऑफ द व्हील्स ऑफ ए बुलक कार्ट वाइल मूविंग ऑन द रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, है ना, यहाँ सॉरी यहाँ पे हिंदी नहीं लिखा है शायद, मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि द मोशन ऑफ ए व्हील्स ऑफ ए बुलक कार्ट, मतलब कि जैसे आपने देखा होगा कि जो बैलगाड़ी होती है, तो बैलगाड़ी का चक्का है, ठीक है, ये बैलगाड़ी का चक्का है आपका, और बैलगाड़ी कुछ इस तरह से रोड पे चल रही है, ठीक है। तो ये बैलगाड़ी का चक्का है, तो ये पूछ रहा है कि इसमें किस तरह की गति है, किस तरह का मोशन हो रहा है, किस तरह का यहाँ पे मोशन हो रहा है। पहला है ऑप्शन ऑसिलेटरी एंड रोटेटरी मोशन, ठीक है, दोलनी और घूर्णी गति जिसे कहते हैं। बी ऑप्शन है दोलनी और स्थानांतरीय गति। तीसरा है स्थानांतरीय और घूर्णी गति, ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन जिसे कहते हैं। एंड डी ऑप्शन है ट्रांसलेटरी मोशन ओनली, केवल स्थानांतरीय गति। तो क्या होगा, पहली चीज तो देखिए कि यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन आपका यहाँ पे है, है ना। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, कि एक किसी दिशा की ओर बढ़ना, एक किसी डायरेक्शन की ओर बढ़ना, तो ये ट्रांसलेटरी मोशन तो है। क्यों, क्योंकि ये जो चक्का है, ये जो हमारा चक्का है, ये किस दिशा में जा रहा है, ये इस दिशा में जा रहा है, तो एक उसका ट्रांसलेटरी मोशन तो है। अच्छा, दूसरा मोशन कैसे देखेंगे, कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये चक्का की क्या है, एक्सिस है, ये जो हमारा वो था बुलक कार्ट था, बुलक कार्ट का जो व्हील था
उसका क्या है ये अच्छा है, उसका एक्सिस है, ठीक है। एक्सिस कैसे होगी, कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर होगी और ये चक्का इस तरह से घूम रहा है, ये चक्का इस तरह से घूम रहा है और इसकी एक्सिस कुछ इस तरह से इसकी परपेंडिकुलर है। तो ये एक और कौन सी गति कर रहा है, एक और कौन सा मोशन कर रहा है, ये एक और मोशन कर रहा है जिसे कहते हैं घूर्णी गति या रोटेशनल, या रोटेशनल मोशन, ठीक है, या रोटेशनल मोशन। तो दो क्या हो गया, एक हो गया ट्रांसलेटरी मोशन, एक हो गया ट्रांसलेटरी मोशन जिसे स्थानांतरीय गति कहते हैं, दूसरा हो गया आपका रोटेटरी मोशन जिसे घूर्णी गति कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन कि एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस विच इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम इट्स एक्सेलरेशन इज। एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपातिक हो तो इसका त्वरण है। बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि कोई वस्तु है वो इतनी दूरी तय करती है, मतलब कि उस वस्तु की जो डिस्टेंस है वो किसके प्रपोर्शनल है, उसको लगने वाले समय के वर्ग के, उसको लगने वाले समय के वर्ग के या उसको लगने वाले टाइम के स्क्वायर के प्रपोर्शनल क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस प्रपोर्शनल टू टी स्क्वायर कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ से डिस्टेंस को लिख देता हूँ, एक कांस्टेंट ले लेता हूँ के और इसको लिख देता हूँ टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब वेलोसिटी जो होता है, जो वेग होता है, वेलोसिटी होता है, वो डिस्टेंस का क्या होता है, डिस्टेंस का डिफ्रेंसिएशन होता है। डिस्टेंस का मतलब कि यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस को लिखूँ तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ डी बाई डी टी, ठीक है। समय के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, समय के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन किसका, डिस्टेंस का, है ना। यहाँ पे मैं कैपिटल डी से लिख दूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये कैपिटल डी डिस्टेंस है और ये स्मॉल डी क्या है, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, समय के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। अगर इसका डी वी डी डी वाई डी टी कर दें तो ये कितना बन जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2kt मिल जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये जो वर्ग है ये यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2t और इसका पावर में एक माइनस हो जाएगा तो 1 आएगा, तो इसको हम 2t ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन तो पता होगा आपको, ठीक है। तो ये 2kt हो गया। अच्छा ये क्या है, अब ये आपका वेग है, ये क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। अच्छा एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है डी वी बाई डी टी, ठीक है। अब इसको और आप डिफरेंशिएट करिए तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, 2k बचेगा, जो कि क्या है, जो कि कांस्टेंट है, जो कि क्या है, जो कि कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, यहाँ पे भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए तो यहाँ पे हो गया ये, आपने देख लिया कि डिस्टेंस जो है अगर टाइम के स्क्वायर के प्रपोर्शनल है तो आपका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। ओके, चलिए यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन अपने देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। अदिश राशि इनमें से कौन सी है, इनमें से निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है। तो अदिश राशि कौन होती है कि जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिसका सिर्फ परिमाप हो, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और उसका किसी भी तरह का दिशा ना हो, उसकी किसी भी तरह की डायरेक्शन, उसकी किसी भी तरह की डायरेक्शन या दिशा ना हो, है ना, उसका डायरेक्शन ना हो। तो वेलोसिटी, जो हमारी वेलोसिटी होती है, वेग होता है, गति नहीं, वेग जो होता है हमारा, वेलोसिटी जो होती है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, बल होता है, टाइपिंग मिस्टेक है, सही कर लेंगे, वेलोसिटी है, ठीक है। तो जो वेग है हमारा, जो हमारा वेग है उसकी क्या होता है, उसका परिमाप भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और उसका डायरेक्शन भी होता है, उसका डायरेक्शन भी होता है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, एंगुलर मोमेंटम जिसे बलाघूर्ण कहते हैं ये भी एंगुलर क्वांटिटी है, इसका भी डायरेक्शन होता है, इसकी भी दिशा होती है, इसकी भी मैग्नीट्यूड होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, सॉरी यहाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा हिंदी टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने गलत कर दिया है जो भी टाइपिस्ट थे, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है वो क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपका आंसर हो जाएगा, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। ये कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका सिर्फ परिमाप होता है, इसकी किसी भी तरह की दिशा नहीं होती है, इसकी दिशा नहीं होती है। और सदिश राशि कहते किसको है, वेक्टर क्वांटिटीज कहते किसको है, ऐसी क्वांटिटीज को कहेंगे जिनका कि क्या हो, मैग्नीट्यूड हो एज वेल एज डायरेक्शन हो, ठीक है। चलिए
फिफ्थ क्वेश्चन अपन हम आप देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी का भी वही मतलब है कि स्केलर क्वांटिटी इनमें से कौन कौन सी है। तो यहाँ पे सीधे आंसर आपको लगाना है स्पीड, ठीक है, स्पीड। अब स्पीड क्यों? क्योंकि स्पीड सिंपल क्या होता है, तय की गई दूरी है ना, डिस्टेंस, तय की गई दूरी जिसे आप क्या कहते हैं, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस। तो ये तो एक संख्या है कि 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर है ना, इसका किसी भी तरह की दिशा तो नहीं है इसमें, ठीक है, इसकी किसी भी तरह की दिशा तो नहीं है। सीधी बात है कि 50 किलोमीटर चले 20 किलोमीटर चले, इस तरह का कुछ है इसमें कंसेप्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गई दूरी। अब दूरी को अगर आप टाइम से डिवाइड कर दें, दूरी को आप अगर समय से डिवाइड कर दें, दूरी को अगर आप समय से डिवाइड कर दें टाइम से, तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है स्पीड। क्या बताता है ये हमें, ये हमें बताता है कि स्पीड कितनी है, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी जो हमारा वेग है, जो हमारा वेलोसिटी जो हमारा वेग है, इसमें क्या होती है, दिशा होती है, इसमें क्या होती है, दिशा होती है पर्टिकुलर, कि पर्टिकुलर इस दिशा में वेलोसिटी कितनी है, इस दिशा में वेलोसिटी कितनी है, इस दिशा में वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। तो वेलोसिटी वेग का अलग अलग दिशा भी होती है मैग्नीट्यूड के साथ में, परिमाप के साथ में, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्पीड पहला ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा, बाकी डिस्प्लेसमेंट की भी दिशा होती है, डिस्प्लेसमेंट की भी दिशा होती है, बला घूर्ण टॉर्क की भी दिशा होती है। तो इनके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों है, ठीक है। चलिए एंड सिक्स क्वेश्चन, स्पेशली बता दूं जिन बच्चों को थोड़ा सा कंसेप्ट समझने में दिक्कत हो रही है, फॉर एग्जांपल कि जैसे बला घूर्ण हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ये आपको इनके लिए चैप्टर्स में गो थ्रू करना होगा, जहां पे डिस्क्रिप्टिव मैंने पढ़ाया है, बहुत बढ़िया से मैंने इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है वहाँ पे, है ना। तो आपको थियरी पोर्शन जाके देखना होगा, क्योंकि एमसीक्यू में मुझे थोड़ा सा स्पीड के साथ चलना पड़ता है, क्योंकि वो फिर एमसीक्यू रहेगा नहीं अगर मैं एक एक चीज समझाने लगा कि टॉर्क क्या होता है ना, कि टॉर्क क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ऐसी छोटी छोटी चीजें अगर मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा तो वो थियरी ही हो जाएगा, वो एमसीक्यू सेशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है या थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो वो प्लीज एक बार जा करके गो थ्रू करें, मैंने बहुत बढ़िया से समझा रखा है, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन, कि एन ऑब्जेक्ट विथ अ कांस्टेंट स्पीड, एक समान गति वाला पिंड, एक समान गति वाला पिंड मतलब उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो क्या होगा उसका, तो क्या होगा अगर उसका कांस्टेंट स्पीड है, तो सॉरी एक्सेलरेशन नहीं, कांस्टेंट स्पीड है, तो क्या होगा। पहला ऑप्शन है इज नॉट एक्सेलरेटेड, त्वरित नहीं होगा, त्वरित नहीं होगा, माइट बी एक्सेलरेटेड, त्वरित हो सकता है ना, इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड, हमेशा त्वरित होता है, Also has a constant velocity, एक समान वेग होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इज नॉट एक्सेलरेटेड, इज नॉट एक्सेलरेटेड, एक समान गति वाला पिंड अगर वो कॉन्स्टेंट है, एक समान गति वाला पिंड त्वरित नहीं होता है, ठीक है। अगर किसी भी पिंड की स्पीड कॉन्स्टेंट है, अगर किसी भी पिंड की स्पीड कॉन्स्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल की अगर उसकी मैं कहूँ कि वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, अगर मैं कह दूँ कि क्या है उसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है ना, तो क्या कहेंगे आप, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसकी एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ बात कह नहीं रहा है ना, यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी का कहने का क्या मतलब है, डी ऑप्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी कहने का क्या मतलब है, कि उसकी कोई दिशा भी होनी चाहिए, उसकी कोई दिशा भी होनी चाहिए, और पर्टिकुलर वो उसी दिशा में मूव करे, पर्टिकुलर वो उसी दिशा में जाता रहना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ क्वेश्चन में बोल नहीं रहा, वो सिर्फ बोल रहा कि उसकी सिर्फ कांस्टेंट स्पीड है, उसकी सिर्फ कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या मानेंगे, उस कंडीशन में हम ये मानेंगे कि सिर्फ और सिर्फ उसकी एक स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड उसकी सिर्फ एक कांस्टेंट है, ठीक है। और यहां पे सिर्फ वेलोसिटी का हम मैग्नीट्यूड लेंगे, यहां पे सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे, और इस कारण से आपका एक्सेलरेशन जो होगा जीरो होगा, इस कारण से आपका एक्सेलरेशन यहां पे जीरो होगा, और आंसर होगा इज नॉट एक्सेलरेटेड, ठीक है। तो इसका आंसर ए ऑप्शन होगा, ना कि डी ऑप्शन, ठीक है। डी ऑप्शन से कंफ्यूज मत होइएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी का अगर मैं इसी के कह दूं कि कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, लेकिन सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, लेकिन सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो हर वक्त दिशा बदल रही है, तब आप ये नहीं कहेंगे कि उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी भी होगी, उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी भी होगी, ठीक है। तो जब कभी बोला ना जाए, जब कभी बोला ना जाए, डायरेक्शन डिफाइन ना हो, तो आपको ये मानना है कि वो हमेशा क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, और सिर्फ स्पीड कंसीडर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्पीड कंसीडर करेंगे, ना कि वेलोसिटी कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए यहां पे सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ फार एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड इन
कंपेरिजन टू वेयर इट बिगन इज कॉल्ड, जहां शुरू हुआ उसकी तुलना में कोई वस्तु कितनी दूरी चली गई है कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि यहां से इस जगह पे आप आए, ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऐसे ऐसे फॉर एग्जाम्पल आप ये घूम फिर के यहाँ पे आए, ठीक है, इस तरह से आप आए, ये आपका क्या था, ट्रेजेक्ट्री थी, है ना, ये आपकी क्या थी, ट्रेजेक्ट्री थी, ये आप इस तरह का मोशन करते हुए आए, ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। ट्रेजेक्ट्री क्या होती है ये भी मैंने पढ़ा रखा है, बेसिकली ट्रेजेक्टरी उसको कहते हैं कि जो पाथ आप लेते हैं, जो पाथ आप कवर करते हैं, तो उसका जो एक मैप है कि आप कुछ इस तरह से घूम के यहाँ पे पहुंचे, उसको क्या कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप घूम के पहुंचे, अब ये पूछ रहा है कि जहां शुरू हुआ उसकी तुलना में कोई वस्तु कितनी दूर चली गई है, तो उसकी तुलना में मतलब कि यहां से यहां तक का सीधा डिस्टेंस कितना है, उसकी तुलना में, है ना, यहां से यहां तक का इसका सीधा डिस्टेंस कितना है, तो इसको हम कहते हैं विस्थापन, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, हाउ फार एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड इन कंपेरिजन टू वेयर इट बिगन, है ना, जहां से शुरू हुआ उसके कंपेरिजन में वो डिस्टेंस कितना दूर चली गई है, वो कितना दूर चली गई है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे दूरी नहीं बोलेंगे, यहाँ पे दूरी सिंपल बोलता कि वो वस्तु कितनी दूर चली गई है, कितनी दूर चली गई है तब बोल देते कि डिस्टेंस, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में गई है, इन कंपेरिजन टू वेयर इट बिगेन, जहां से शुरू हुई थी उसके कंपेरिजन में कितनी दूर गई है, उसके कंपेरिजन में कितनी दूर गई है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा विस्थापन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं 10th, कि वेक्टर क्वांटिटीज नीड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वही तो मैं कब से आपको बता रहा हूं कि जो सदिश राशि होती है, जो वेक्टर मात्रा होती है, जो सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, उनको परिमाप के अलावा, मैग्नीट्यूड के अलावा क्या चाहिए होता है, डायरेक्शन चाहिए होती है, दिशा चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है, डायरेक्शन चाहिए होती है एंड दिशा चाहिए होती है। चलिए अपन 9th क्वेश्चन देखते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज डैश इफ इट्स पोजीशन चेंजेस रिलेटिव टू अनदर ऑब्जेक्ट। एक वस्तु है यदि इसकी स्थिति किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष बदलती है, तो क्या कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या, क्या तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में कहेंगे, या कहेंगे कि वो विश्राम में है, रेस्ट में है, या वो एक्सेलरेट हो रही है, एक्सेलरेटिंग है, त्वरित हो रही है, या मैजिकल है। तो ये तो कोई बात नहीं हुई, है ना, वो वस्तु जादुई नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन में देखना है कि कौन सा आंसर होगा। तो एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा कि एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस रिलेटिव टू अनदर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल कि ये डब्बा रखा था, ठीक है, एक ये डब्बा रखा था, दूसरा डब्बा भी यहीं रखा था, ठीक है, अब ये डब्बा को आप खिसका के यहाँ पे ले गए, ये डब्बा को खिसका के आप यहाँ पे ले गए, इस डब्बे को खसका के आपने यहाँ से ऐसे खसकाया, एक दूसरा डब्बा यहाँ ले गए, और ये वाला यहीं पे छोड़ दिया, ये वाला क्या है, कांस्टेंट है, इसको छोड़ दिया, अब ये क्या है, ये दूर ही जाता जा रहा है, ये पहले यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ आया, फिर अभी यहाँ, और दूर ही जाता जा रहा है, तो इसके कंपेरिजन में, इस डब्बे के कंपैरिजन में इसकी स्थिति बदल रही है, इसकी स्थिति बदल रही है, तो ये क्या कहेंगे कि वो वस्तु किसमें है, गति में है, वो वस्तु किसमें है, गति में है, विश्राम में तो बिल्कुल नहीं है, रेस्ट में बिल्कुल नहीं है, और एक्सेलरेटिंग आप हमेशा नहीं कह सकते, हमेशा आप ये नहीं कह सकते कि वह वस्तु त्वरित है, क्या पता वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो, क्या पता वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो, और उस कंडीशन में जब वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी तो आपका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो हमेशा एक्सेलरेटिंग है, वो त्वरित है, लेकिन वो मोशन में है ये आप कह सकते हैं, वो मोशन में है ये आप जरूर कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसके स्थिति बदल रही है, उसकी पोजीशन बदल रही है, किसके रिस्पेक्ट में, दूसरे ऑब्जेक्ट के, दूसरी वस्तु के रिस्पेक्ट में, तो ये बात आपको समझ में आई। चलिए आज का अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th क्वेश्चन, कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड। टोटल डिस्टेंस जितनी तय की गई, कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस मतलब कुल दूरी, है ना, टोटल डिस्टेंस, और कितना समय लगा उसको कवर करने में, कितना समय लगा उसको कवर करने में, तो टोटल टाइम, कुल समय जो लगा, इसको कहते हैं एवरेज, इसको कहते हैं एवरेज स्पीड, क्या कहते हैं इसको, एवरेज स्पीड या औसत गति कहते हैं, एवरेज स्पीड या औसत गति कहते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पे ये थे आपके 10 MCQs मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के।
ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, बस यही चीजें थी सिंपल सा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ट्रेजेक्ट्री और इन्हीं से रिलेटेड वेलोसिटी को समझना, कब वेलोसिटी कांस्टेंट है, कब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखना था, और यही आपका आगे का बेस तैयार करता है फिजिक्स का। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन सफिशियंट थे आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में इसे समझाने के लिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड बच्चे प्लीज जाके उसको गो थ्रू करें प्लेलिस्ट में, अगर उनको थ्योरी पोर्शन में दिक्कत आ रही है तो। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।